यह विश्वास था कि शायद ये गला घोटने वाली जो सीपीएम की सरकार है उससे अच्छा स्वस्थ और अच्छा प्रशासन देगी, पर मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है, सीपीएम के लोग गला घोटते थे और ममता जी के लोग गला काट रहे हैं, विरोधियों का गला काट रहे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या प्रजातंत्र में मार काट होना चाहिए? आपसे पूछना चाहता हूं, होना चाहिए क्या? जो टीएमसी की सरकार के संरक्षण में पुलिस के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, क्या प्रजातंत्र में इसको अनुमति देना चाहिए क्या? और यदि ये सरकार ऐसा करती है तो उसको क्या सजा देना चाहिए? उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। क्या करना चाहिए? जोर से बोलिए। जो सरकार हिंसा के माध्यम से अपने विरोधियों को दबाने की कोशिश करती है, कुचलने की कोशिश करती है, प्रजातंत्र की हत्या करती है, उस सरकार को क्या करना चाहिए? उखाड़ के। बंधुओं, आज हमें इस बात की शपथ लेना, आज सावन का सोमवार है, भोलेनाथ का दिन, भोलेनाथ भोले भंडारी है कि नहीं? भोले भंडारी, ये जनता भी भोले भंडारी है, जनता भी भोलेनाथ का स्वरूप है, जनता जनार्दन की हम सेवा इसीलिए करते हैं प्रजातंत्र के अंदर कि हम जनता को भगवान मानते हैं, जनता को शिव मानते हैं, जनता को हम ईश्वर मानते हैं। तीसरी आंख थी कि नहीं थी? तीसरी आंख एक ही नहीं है? तीसरी आंख खोल के भोलेनाथ तो क्या करते हैं? राक्षसों का नाश करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? भोलेनाथ की जब तीसरी आंख खुलती है तो राक्षसों का नाश हो जाता है। ये जनता जनार्दन भोलेनाथ, ये जनता जनार्दन से हर उखड़ जाएगी। और इसलिए पश्चिमी बंगाल की जनता के आप परीक्षा मत लीजिए। যদি এখনো আমাদের স্টিং নিউজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনটি ক্লিক করুন, পেয়ে যান সব খবরের দ্রুত ভিডিও আপডেট।